देवास जिले के सोनकक्ष के मंडला आना गांव की युवा आर्मी जवान लायंस नायक राजकुमार पिता अजब सिंह परहार ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। राजकुमार ने थाईलैंड के पटाया शहर में 4 किलोमीटर की तटीय नौकायान एशियन चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए स्वर्ण पदक दिलाया है। देवास और अपने देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में करीब 15 एशियाई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। मध्यवर्गीय परिवार में रहे, बचपन में 8वीं तक की जो उनकी पढ़ाई थी वह अपने ही गांव आना में उन्होंने प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया और उनका अब सपना है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाना है। अभी गोल्ड मेडल जीत के आया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा था पढ़ाई में? बहुत अच्छा था पढ़ाई में भी, और उसको ये लगन थे कि मैं कुछ भी काम रोशन करूँ, नाम गांव का। गांव का आपका नाम? पवित्रा भाई। दादा, आपका लड़का गोल्ड मेडल जीत के आया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। और आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा है, ऐसा पढ़े सभी तो अच्छा रहता है। तो बचपन में से आपका लड़का ऐसा ही था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कि कुछ जीतना चाहता हूँ? हाँ हाँ। पढ़ाई में कैसा था? अच्छा था पढ़ाई में। इतने पैसे अपन नहीं कमाते ना। ये नाम के कोर्ट कचहरी थाने के है, ये बड़े जिन्होंने नेशनल हो गया। हाँ साहब, नेशनल आया वो है, भजन बाजी कोई भी नहीं बाजी लाइफ से। के समाज के इस युवक ने, समाज ही नहीं अपितु पूरे देश में एक मिसाल कायम की है, क्योंकि इस खेल के प्रति किसी भी खिलाड़ी की इतनी रुचि नहीं होती। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भैया राजकुमार सिंह बिहार जी को अपनी ओर से, हिंदू समाज की ओर से और पूरे क्षेत्र की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित रूप से भैया राजकुमार सिंह बहुत छोटे से गांव के हैं और उन्होंने लगातार मेहनत करके, प्रयास करके सेना में गए। सेना के बाद में उनकी अपनी रुचि जागृत होती रही और आज वास्तव में हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि वो एशियाई खेलों में जीत कर यहाँ पर आए हैं। और हमने आज पूरे सोनकच्छ और क्षेत्रवासियों ने, केवल हिंदू समाज ने नहीं, सभी समाज के लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया है। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए एक स्वर्णिम पल है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भैया राजकुमार सिंह जी से और नया युवा प्रेरणा ले और इस प्रकार से लगातार वो आगे बढ़े। मैं पुनः राजकुमार सिंह भैया को बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ जिस प्रकार से भैया राजकुमार सिंह जी ने एक छोटे से गांव में रहकर मेहनत की है, इनसे लोग प्रेरणा ले, नए युवा प्रेरणा ले और प्रेरणा लेकर मेहनत करने वालों को कभी कोई असफलता नहीं मिलती है। लगातार अगर मेहनत करते हैं तो युवा आगे बढ़ सकते हैं। आज के अवसर पर मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना जो मंजिल हासिल कर सकते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। छोटा भाई मेडल भी अपने बड़े भाई की तरह खेलों के प्रति आपकी रुचि है और आप भी देश के लिए बड़े स्तर पर कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं जिससे देश का नाम रोशन हो। जी, अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है भोपाल में,
भोपाल में, मैं भोपाल स्पोर्ट्स करता हूँ, वाटर स्पोर्ट्स डायरी के नहीं गेम में गोल्ड गोल्ड मेडल है, और भैया का सपोर्ट और घर का मेरा अंकल का सपोर्ट और सबका सपोर्ट मिलते हुए थोड़ा और प्रोसेस मेरे को थोड़ा इंटरनेशनल तक मेडल भी जाना है, थोड़ा मेरा प्रैक्टिस चल रहा है अभी बिल्कुल कंटिन्यू करने में कर रहा हूँ मैं। हाँ, आपके भाई को आज इस स्तर पर देख कर आज उन्होंने एशियाई जो है बोटिंग में अपने क्या कहते हैं नौकायान में जो इतना बड़ा मेडल और देश के लिए इतना अच्छा प्रतिनिधित्व किया है, तो आपके मन में उनके लिए क्या विचार है? ऐसा है कि हमारे इंडिया का सबसे मेडल आया है, फर्स्ट था पोस्ट रोइंग चैंपियनशिप रोइंग का, तो उसमें फर्स्ट इनने प्रदर्शन अच्छा किया है और बड़े स्तर तक ये ओलंपिक तक खेलने का इनका टारगेट है, और अभी नॉर्थ रोइंग में कर रहे हैं और कोच की वजह से इनका और गाँव की वजह से और हमारे एम पी की वजह से थोड़ा कुछ अच्छा टारगेट है, सपोर्ट मिलने से थोड़ा और कुछ अच्छा होना है इनका, जैसे घर से और अंकल के और पापा वगैरह गांव से बहुत सपोर्ट है, थोड़ा और कुछ बड़ा करने का विचार है, थोड़ा सपोर्ट मिलने से थोड़ा और अच्छा हो सकता है, ये हमारा टारगेट। ठीक मिली है, और ये जो आप गोल्ड मेडल नौकायान प्रतियोगिता में जीत के आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं एशियन कोस्टल रोइंग चैंपियनशिप में अभी मेरा गोल्ड आया है, मैं आगे ओलंपिक में गोल्ड लाने की सोच रहा हूँ, और मेरा सपना है गोल्ड लाने के लिए, जिससे मेरा गांव, मेरे समाज और आर्मी रोइंग नॉट और 17 गार्ड्स का नाम रोशन हो और देश में मेरा पूरा नाम रोशन हो सबका। आप ये श्रेय किसको देना चाहते हो? आर्मी रोइंग नॉट 17 गार्ड्स को। आपने किस तरीके से मेहनत की और आज ये मुकाम हासिल किया है? मेरा सपना था कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अचीव करूं और मैं आगे भी ऐसे करना चाहूँ। इस खेल के लिए आपका चयन कैसे हुआ? इसका चयन आर्मी की तरफ से होता है, इसमें पूरी इंडियन आर्मी के बंदे आते हैं आर्मी रोइंग नोट में, और उसमें हर साल कॉम्पिटिशन होता है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार परिहार। आप कोच में किस बटालियन का? मैं 17 गार्ड्स हूँ। आपने स्कूल विद्यार्थी समय में कौन से स्कूल में कोई मेडल प्राप्त करा था? हाँ, मैंने शासकीय आवासीय स्कूल में हॉकी खेली थी, वहाँ पे मैं नेशनल लेवल पे खेला हूँ, उसके बाद गाँव में भी मैंने खो खो खेली। जानकारी के हिसाब से आप पहले हॉकी के खिलाड़ी थे। हाँ। एकदम से आपका ये नौकायन से संबंध? जिससे आर्मी की तरफ से हुआ है। आपको आर्मी की तरफ से? हाँ, मुकाम आर्मी में 17 गार्ड्स की तरफ से हुआ। अच्छा, एक चीज और है कि अभी आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर तरफ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, खेल हो या फिर किसी भी विभाग को लेकर, लेकिन आप ये देखते हैं कि कुछ प्रतिभाएं दबी की दबी रह जाती है, दबी रह गई गांव में, बहुत अच्छे हैं। उसके लिए आप क्या मोटिवेशन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि उनको अपने गांव में, वैसे हर गांव में भी अच्छे अच्छे बंदे हैं जो गेम में ऊपर लेवल तक आ सकते हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाती बंदों को, जिससे वो नहीं आ पा रहे हैं। स्कूल लेवल में भी ऐसा ही है, अगर उनको स्कूल से ही सुविधाएं मिलती रहेगी तो वो आगे जाके अपना स्टेट नेशनल में जाके नाम रोशन करे और नेशनल में सिलेक्ट हो।